अमेरिका में ऐसी चिंता हो रही है कि चर्च को रिसोर्सेस की कमी है और यहां सोच ये चल रही है कि सारे भारतीय धर्म माल बलिदे से लदा हुआ पेट फुलाकर मौज कर रहे हैं। कुछ साल पहले वेटिकन चर्च ने 1400 अबज डॉलर यानी कि लगभग 98 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए और ये सिर्फ एक साल का इन्वेस्टमेंट है और वो भी अपने रनिंग कैपिटल में से नहीं बल्कि सरप्लस एसेट्स से। अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी संपत्ति होगी उनके पास। फिर भी कोरोना के समय में चर्चों को नुकसान हुआ होगा ये चिंता रखकर अमेरिकन सरकार ने चर्चों को एसेंशियल मानकर, फिर से कह रहा हूं, धर्म को जीवनावश्यक मानकर 7.3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 50,000 करोड़ की सहायता दी है। और यहां सहायता देना तो दूर, एक राज्य सरकार ने तो मंदिर से 10 लाख कंपलसरी लेने का फरमान निकाला था और कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसका समर्थन भी किया कि धर्म को पैसों की क्या जरूरत, अमेरिकन सरकार तो बेवकूफ है जो पैसे दे रही है इतने। जहां एक तरफ अत्याधुनिक और डेवलप्ड देश अपने धर्मों को मजबूत बना रहे हैं, हम अपने धर्मों को पायमाली की ओर घसीटते जा रहे हैं। ऐसी मानसिकता क्यों, ये कैसे तैयार हो रही है? भारतीय धर्मों की संपत्ति की परिस्थिति पर गहन चिंतन और चिंता से फैक्ट्स और फिगर के साथ संकलित की हुई पुस्तिका से अपने आप को जागृत कीजिए।